और जो पिछले 5 साल को कार्यकाल रही हो ना, कांग्रेस वाकई बहुत बढ़िया राज करियो। आज भी के मुकाबले को दमदार प्रत्याशी भी कांग्रेस में है कोनी। मैं तो सक्सेस मोमेंट तो मान लो 1,27,000 रुपया मिल भी गा, लेकिन कोई गरीब का तो 1,00,000 रुपया एक बार बीमारी के ऊपर लाग जाए वो तो कर्जा के नीचे दब जाए। स्टेट गवर्नमेंट भी कौन पकड़ सकी, लेकिन अब तो केंद्र ईडी में लाग रही है तो ईडी क्यों कौन पकड़ रही फिर। एक बात हो जाए, लोग नरेगा को विरोध बहुत कर रहे हैं नरेगा, लेकिन नरेगा के पीछे सोचा ही कि कोई आदमी भूखो नहीं सोया, नरेगा में कोई लखपति हुआ है और इम कोई दोहरा को नहीं। गहलोत है जो संवेदनशील मुख्यमंत्री है, वो आदमी का निचला तबका तक सोचा है और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास कदे ही पूरा को नहीं हुआ। एक मुद्दा हो जैसी दूसरा तैयार हो जैसी, लेकिन मैं तो आचाऊँ एज की गवर्नमेंट की बढ़िया स्कीम है ना, ऐसे कांग्रेस आओ बीजेपी आओ अन्न चालू रखने से कमीशन के कारण पक्ष लियो कमीशन आ रहे होने पारी जी का जातिवादी गड़बड़ आदमी है जिसका गोविंद जी सीधा टेक करें, लेकिन गोविंद जी पेपर लीक करा तो ना ईडी ने पकड़ ली थी। राम राम साहब। पिछले 5 साल को कार्यकाल रही हो ना, कांग्रेस वाकई बहुत बढ़िया राज करियो। एक जगह रीति नीति जी चिरंजीवी योजना है, मैं दूसरा की बताऊँ, मैं खुद की बताऊँ, मैं बीमार हो इलाज करायो, 1,27,000 रुपया लग गया, 1 रुपये मेरा जेब में देने को नहीं पड़े, आने जाने को खर्चो हुआ वो तो अलग है। सर चिरंजीवी स्कीम हो और छोटी मोटी जी कर्जा माफी की जी स्टेट गवर्नमेंट को जो का हाथ में हो वह कर दियो। पुलिया की है जो की बात हरी है तो पुलिया वगैरह भी मतलब के मंजूर रेड़ा ही कानूनी अड़पे से स्वीकृति होगी। फिर दूसरी जी रही बात प्रत्याशी की देख करो तो सिकरसू राजू पारी की संभावना है, राजू पारी की संभावना है तो राजू पारी 1990 से चुनाव लड़ते आ रहे और आज भी के मुकाबले को दमदार प्रत्याशी भी कांग्रेस में है कोनी, क्योंकि सेकंड लाइन पनपी कोनी या पनपा कौन दी या कारण कुछ भी हो बीच यदि मुकाबला करबा की बात आवे बीजेपी की तरफ से सामने तो बिक की तरफ से मोमडन्स वोट बैंक है वो कांग्रेस को मजबूत वोट बैंक है और बिक के ऊपर हम लोग गड़बड़ो प्रत्याशी थे जो बी वो कुछ हिस्सों काट सके तो बी में एक ताराचंद जी का मजबूत प्रत्याशी है जगह के वह और तो बीजेपी को वोट बैंक है वो सही नहीं मिलना है, लेकिन वह मुस्लिम वोट बैंक से भी मतलब 20-25% तक वोट ले सकें। मेरे कुआ को पिछले 2 साल से 1 रुपये बिजली को बिल को नहीं आ रही कौन के तो भाई किसाना के बस जीवारी को निकाल रहा, अगर राज पट जैसी मेरे वो 5,000 दो महीना को बिला बल आग जैसी बस जीवारी की किसाना की तो है ना। मैं तो सक्सेस मोमन तो मान लो 1,27,000 रुपया मिल भी गा, लेकिन कोई गरीब का तो 1,00,000 रुपया एक बार बीमारी के ऊपर लाग जाए वो तो कर्जा के नीचे दब जाए। बात में एक और आई है कि जगह स्थायी सुलह के कुछ जगह एक्स्ट्रा जगह सुलह हुआ है वो भी मतलब जगह बिल नहीं आ रहे है, बाकी बहुत बड़ी जगह है वो बिल आ रही बिन के अंदर। गवर्नमेंट को काम हुआ है स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षा ऐ चीज उपलब्ध करावे, मतलब कोई आदमी इलाज का थोड़ा मर जाए तो वो राज पर धाग है, कोई आदमी पिस सके थोड़ा पढ़ कौन सके और वो अनपढ़ रह जाए तो वो एक बार राज की कमजोरी नजर आए समझ गा। यही समाज में जो आदमी रहे हर तरह की सुरक्षा से, अब अपराध तो जहाँ बैठे हो मैं तारे चट्टू दे लू या थे मेरे दिलो तो बिन कोई रोक कौन सके, लेकिन अपराध करें बाद के मायने मतलब उनके बिन अपराधी पकड़ बटे तक पहुँचना जड़ तक पहुँचना जरूरी है। अब ठीक है कि पेपर लीक की कुछ घटना हुई है, गणोरेतर भी घटना हुई है, पर कार्रवाई भी हुई है। अरे पेपर लीक वाला जो वो सुरेश जो डाका है भागते ही तो फिर रहे ना, कानून जो बनाए वो दिख रहे नहीं है, कोई प्रभाव नहीं। एक बात हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट भी कौन पकड़ सकी, लेकिन अब तो केंद्र ईडी में लाग रही है तो ईडी क्यों कौन पकड़ रही फिर भाई। पिछला 2-4 महीना तो ईडी तो ईजी है तो फिर ईडी क्यों कौन पकड़ केंद्र क्यों कौन पकड़ रही। अब ठीक है मतलब टाइम लगे भाग तो फिर आज इसी देर से रात आनी है। खाद्य सुरक्षा योजना का बात कर रहा मतलब योजना चलाई भी के बारे में बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ जगह मतलब घटिया क्वालिटी को जो वो मटेरियल बताए जा रहे हैं बारे में। ये भ्रष्टाचार अब तो व्याप्त हो गो के मतलब खटे न खटे मतलब को उनके आदमी जी गवर्नमेंट की सोच और स्कीम बढ़िया है, अभी के मैं खटे स्तर के ऊपर मतलब कोई गड़बड़ी हो जाए को उनके तो भी के मैं सुधार करना चाहिए। अब एक बात हो जाए, लोग नरेगा को विरोध बहुत कर रहे हैं नरेगा, लेकिन नरेगा के पीछे सोचा ही कि कोई आदमी भूखो नहीं सोया, नरेगा में कोई लखपति हुआ है और इम कोई दोहरा को नहीं। गहलोत है जो संवेदनशील मुख्यमंत्री है, वो आदमी का निचला तबका तक सोचा है। करके विकास की मुद्दा की बात करें तो 2018 का महीना रहा और अब 2023 में के रबड़ आई है जगह 2018 के अंदर अब से लेगी जो कार्यकाल रहे भी पूरा को नहीं। सीकर में एक तो ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या है और सीकर अब संभाग बन गो तो लोगों की उम्मीद भी बढ़ती जाए और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास कदे ही पूरा को नहीं हुआ। एक मुद्दा हो जैसी दूसरा तैयार हो जैसी, लेकिन मैं तो आचाऊँ भाई एज की गवर्नमेंट की बढ़िया स्कीम है ना, ऐसे कांग्रेस आओ बीजेपी आओ अन्न चालू रखने से। सीकर में एक बहुत बड़ो नाम है सरवण चौधरी, मान फतेहपुर टिकट मिली है। सरवण जी मतलब उनके आदमी बढ़िया है, शिक्षा का क्षेत्र में सरवण जी बहुत बढ़िया काम करियो। क्या लाग रहे माहौल चुनाव ताराचंद जी दायल ने टिकट मिल जाए बीजेपी से, जहाँ टक्करी को नहीं वो सीधा जीता।
अब थोड़े दिन पहले एक आवाज आई कि मतलब बीजेपी टिकट न दे तो आरएलपी में जा सके, तो आरएलपी में भी बगावत उठी है कि ओंकार जगह मुंड है जो को, मतलब संगठन को जो मैन आदमी है वो भी कह मैं बगावत कर दूंगा यदि तारचंद ने टिकट मिलेगी तो। नहीं टिकट आरएलपी में लिंक होने में टिकट तो बीजेपी से ही ले सी और बीजेपी में मिल पाएगी उम्मीद है। फिलहाल बीजेपी बात करना सीकर के अंदर तो तीन सीट जगह ही एक दो दातारामगढ़ वाली जगह गोवर्धन कुमावत ने फाइनल करे, फतेहपुर श्रवण चौधरी, लिसमगढ़ सुभाष मेहरिया, हम क्या लाग रहे था हम देखो सुभाष जी तो सीधे जीत रहे बिल्कुल तो करें दल बदलू नेता तो क्यों कहती लेकिन धरातल पर भी बहुत काम है। लोग तो अति साल दिखे को नहीं मतलब पिछली एक साल तक तो मैं कांग्रेस का गुणगान कराया करता अब कर रहे हो बीजेपी का। पहले लक्ष्मणगढ़ जाओ और देखो बैठेगी जनता जो मैं तो बिना पिना का लौटा ही नहीं नहीं कोई नहीं मैं तो खाऊ नहीं ना बिल्कुल क्या लाग रहे के काम हो कि मतलब के लाग रहे सुभाष काम काज तो अब मौको देसी ना बेरो पड़ सी खूब करा सी काम हम के कम पहले भी काम करें लोगों का। फतेहपुर की बात करना बस श्रवण चौधरी भी बताओ श्रवण जी भी जचाले सी काम लाग रहे हैं। पहली बात तो बीजेपी पीसा टिकट कौन दे पहली बात और दूसरी यदि भी धरातल पर नहीं होती जगह जब इन टिकट कौन दो भाई टिकट इसलिए तो दी है वो जीता कैंडिडेट दिखो बन सांसद ही जगह मतलब पहली लिस्ट में सात सांसद उतारे बीजेपी बिन क्या देख रहे हो और डर लाग रहे क्या लाग रहे वो तो देखो आप तो सिकर की बताओ ना सीकर में यदि टिकट बीजेपी जीताणु चाहो कैंडिडेट तो ताराचंद आयल ने टिकट दे दो निश्चित जीत है कोई रोपड़ को नहीं 36 कोमा की बात कर पड़ो आदमी है न कोई जातिवाद को लांछन है। यदि बीजेपी का चिन्ह पर मोहम्मदन का यदि वोट मिले तो ताराचंद आयल नहीं मिल सके बाकी कोई नहीं भी को नहीं मिला। 2023 में बात करा तो सीकर का मेन मेन मुद्दा ही सही मुद्दा पड़े ही बताओ मोटा मोटा पुड़िया को पड़ो ट्रैफिक को पड़ो मुद्दा ही बैठे नोलगढ़ रोड पर जुड़े होना पानी में डूबे लोग तो सड़क पड़नी स्टार्ट होगी फिलहाल क्या की सड़क पड़गी बरसात हो बाध्य क्या की सड़क पड़गी। पीछे एक जगह मीटिंग हुई भी के अंदर भी मतलब सुनना मायो जगह पारिक जगह ही विधायक हैं पारिक जी है? मतलब इंजीनियरिंग इंजीनियर जगह वगैरह ही वर्कर ही जगह काम कर रहे हैं फिलहाल रोडा को रहे हैं ठेकेदार ही वहाँ का पक्ष लेता दिख रहे बिन क्या देख रहे हैं तो पक्ष गलत लियो बीसी नुकसान हो रहे हैं कमीशन के कारण पक्ष लियो कमीशन आ रहे हो पारिक जी का लेकिन भी मीटिंग में जहाँ गोविंद जी आ बोलियो बोलियो अधिकारियों ने थोड़ा खींचा या इन्हें जो ठेकेदार है भी ब्लैक लिस्ट करा भी पारिक जी ने बोलना ही नहीं चाहिए गलत बोलिया हुआ पीछे नुकसान है वो मार्केट में थे बैठो क्या लाग रहे कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी क्या लाग रहे रिपीट का तो बिल्कुल चांस को नहीं थाने क्या लाग रहे रिपीट होगी कोने होगी बिल्कुल रिपीट को नहीं बीजेपी सुहासो पार जैसी वो रीजन है रीजन कांग्रेस फैल है पूरी तरह से बिल्कुल बेरोजगार निराश ही कांग्रेस का राज पेपर लीक जितनी घटना ही जितनी समय फैल है कांग्रेस और पेपर लीक की तुम्हें बताऊंगा पेपर लीक तो बीजेपी में भी आई और कांग्रेस में भी है। सुनो पेपर लीक तो फिलहाल पूरे इंडिया के अंदर हो रहे हैं बीजेपी की सरकार है सिर्फ एक आदमी बोल रहा है कौन है जातिवादी करवाड़ा आदमी है जिसका गोविंद जी सीधा टेक करे लेकिन गोविंद जी पेपर लीक करा तो ना ईडी ने पकड़ लेती भी गोविंद जी करें गोविंद जी तो विकास करा दियो जो बहुत साल बिल्कुल विकास तो कराए मैरिया जी क्या अब वो तो लोगों से पकड़े विकास ने कौन दिया वोट विकास ने कौन दी ना विकास ने दे रही वोट तो विकास ने मुद्दों हटके धर्म पर धर्म पर ही है जातिवाद को यह सारा काम एक आदमी जी को शिक्षा मंत्री बन को सारी जाति लेर पड़गी अच्छा समझ गा पेपर लीक तो पहली भी यही लेकिन पहले तो कोई को नहीं बोल रहे हो अब कहे वो भी को बेटा ने वो बना दी आर एस बना दी भूने बना दी बेटी ने बना दी तो मैं तो बीजेपी का राजू बने कार्रवाई करता पहली भी टाइम। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। मैं पंकज नेहरा राम राम साहब।